इससे ज्यादा दुख और कोई नहीं हो सकता है। हम सबकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, हम सभी के हृदय को बहुत ही पीड़ा हुई है। हम सभी जानते हैं, हम सभी परिचित हैं। और लगभग पिछले महीने से हम सभी इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। बातें बहुत सारी हैं, जैसा हम पहले दिन से निवेदन कर रहे हैं कि इसका ये जमीन का मामला है, ये हमारे लिए आस्था का विषय है, लेकिन जमीन खोरों के लिए, लैंड ग्रैबर्स के लिए, जमीन को हड़पने वालों के लिए ये जमीन का विषय है। और उनके लिए ये बहुत प्राइम लोकेशन वाली जमीन है, बहुत वैल्यूएबल जमीन है, करोड़ों अरबों खरबों की जमीन है। ये सारा मैकेनिज्म है, ये सारा का सारा एक गैंग है, ये सारा का सारा एक ग्रोह है। ये जमीन खोरों का, भ्रष्टाचारियों का ये ग्रोह है, जिसमें हम पहले दिन से कह रहे हैं कि इस ग्रोह का सरदार सुप्रीम कोर्ट का जज है। रोटी ले लो भाई, ले रहे रोटी, रोटी आज ना पता ना आ रहा, दो मिनट को दो मिनट। ये जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, ये इस ग्रोह का सरदार है। हाँ लो, इसमें वो भी है, चार मिर्च वगैरह है, मिश्रा है ये। और इस गिरोह के सदस्य हैं, इस गिरोह के सदस्य हैं सरकार के कुछ एक जनप्रतिनिधि, वो इस गिरोह के सदस्य हैं। डीडीए के वाइस चेयरमैन, वो इस गिरोह के सदस्य हैं। वहां के पुलिस के वहां के डीसीपी, पुलिस के वहां के एसएचओ, वहां के ज्वाइंट कमिश्नर, वो इस गिरोह के सदस्य हैं। इन सारे गिरोह के सदस्यों ने और इस गिरोह के लीडर ने, गिरोह के सरदार ने, सुप्रीम कोर्ट के जज ने, इन सब ने मिलकर के एक योजना बनाई है कि इस तुगलकाबाद की जमीन को कैसे हड़पा जाए। इन्होंने उस जमीन को हड़पने की कोशिश की है। ये तो भला हो आप लोगों का, भला हो गुरु महाराज का, जिन्होंने ये हम सबको चेतना दे दी, आप सबको चेतना दे दी। पंजाब के लोगों का भला हो, जो पंजाब के लोग सड़कों पर आए और उन्होंने मोर्चा खोला। और हम फिर गुरु महाराज को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने इस अपनी शहादत को दे करके आपने पूरी दुनिया के दलितों को जन जागरण कर दिया है, उनको जगा करके खड़ा कर दिया है, अपने अधिकारों की लड़ाई को लड़ने के लिए उनको आपने ताकतवर बना दिया है, शक्तिवान बना दिया है और जागरूक कर दिया है। और कहा है कि खड़े हो जाओ, और तुम ऐसे खड़े हो जाओ कि आज के बाद दुनिया के अंदर कोई तुम्हारी एक इंच जमीन तुम्हारी कोई हड़पने की कोशिश ना कर सके, ऐसा तुम लोगों को खड़ा कर दिया है। तो हम ज्यादा समय ना लेते हुए इस मौके का हमें लाभ उठाना है और अपने आप को संगठित करना है, और इतना संगठित करना है कि गली गली के अंदर, मोहल्ले मोहल्ले के अंदर, चौक चौराहों के अंदर, बस्ती बस्ती में जाकर के हमने गुरु महाराज जी का अलग जगाना है और अपने को संगठित करना है।
और एक बात अंत में और निवेदन करते हुए कि हमारे को संतित तो करना है, जोश में तो रहना है।